रियलमी एक्स लॉन्च हुआ 17,000 की प्राइस के साथ। उस समय ऐसा लग रहा था कि इसकी प्राइस ओवर प्राइस है, परंतु जब रेडमी K20 लॉन्च हुआ और वो 22,000 की प्राइस के साथ आया तो ऐसा लगने लगा कि रियलमी एक्स की प्राइस सही है और रेडमी K20 की प्राइस ओवर है। ये बात सही भी है, दुबई और चाइना के मुकाबले भारत में रेडमी K20 की प्राइस ज़्यादा रखी गई है। इसी कारण रियलमी एक्स ने ऑनलाइन सेलिंग में K20 को पछाड़ दिया है। इस बात को मैं प्रूफ के साथ साबित करूंगा। यहां पर 24 जुलाई के सेल्स फिगर हैं जो कि फ्लिपकार्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, K20 के रिव्यू से लगभग रियलमी एक्स के रिव्यू की संख्या डबल है, और ये रियलमी एक्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसके बाद 26 जुलाई को भी देख पा रहे हैं कि लगभग रियलमी एक्स के फिगर K20 से डबल से भी अधिक है। और कुछ ऐसा 28 जुलाई के आसपास भी ऐसा ही हुआ है, लगभग रियलमी एक्स के सेल्स फिगर K20 से डबल से भी ऊपर चल रहे हैं। यही कारण है कि 15 अगस्त तक K20 की प्राइस ड्रॉप हो सकती है।